हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं शशांक सिंह राजपूत, आप सभी का स्वागत करता हूं सीबीटी अड्डा 24/7 पर। बच्चों बहुत बड़ी अपडेट है सीबीएसई की साइड से। यार सीबीएसई के डेट शीट का सस्पेंस लगातार बच्चों में बना हुआ है, और जो बच्चे सीबीएसई 2024 की तैयारी कर रहे हैं, भाई हर किसी के अंदर ये इगरनेस होती है कि हमारा पेपर कब से होगा और किस डेट पर कौन सा पेपर होगा, ये सारी चीजें जानने के लिए लगातार सस्पेंस बना हुआ है। तो बच्चों यहां पर एक बहुत सारी न्यूज एजेंसीज के द्वारा ये न्यूज निकल के आ रही है कि जो आपकी डेट शीट है वो बेसिकली दिवाली के बाद आपकी रिलीज कर दी जाएगी। यहां पर अगर आप ये आर्टिकल्स अगर आप पढ़ोगे तो यहां पर ये लिखा है एक्सपेक्टेड आफ्टर दिवाली। ये आप देख सकते हो दसवीं और बारहवीं की जो डेट शीट है दिवाली के बाद, और यहां पर जो डेट ये लोग मेंशन कर रहे हैं वो डेट बच्चों मेंशन कर रहे हैं 17 नवंबर का। मतलब अगर आप यहां पर देख रहे हो तो कुछ एक न्यूज एजेंसी आफ्टर द 15 फरवरी से पेपर और 17 नवंबर को आपकी डेट शीट रिलीज करने के लिए बोल रही हैं। तो यार देखो पेपर का जो एज यूजुअल ना पेपर का जो साइकिल है बच्चों सीबीएसई का, वो एज यूजुअल हर साल के जैसा ही है। मतलब इसमें कुछ भी चेंज नहीं आने वाला। यहां पर आप देख सकते हो कि जो यहां पर जो डेट शीट आने की डेट है वो बेसिकली 17 नवंबर ये लोग मेंशन कर रहे हैं, और जो आपका सीबीएसई का पेपर है वो बेसिकली 15 फरवरी से आने की उम्मीद है पूरी की पूरी। तो अच्छा एक चीज मैं यहां पर और बताना चाहता हूं, देखो सीबीएसई की साइट पे अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। मतलब अगर आप इसकी जो मेन ओरिजिनल वेबसाइट है cbse.gov.in, इस पर कोई ओरिजिनल नोटिफिकेशन डेट शीट के रिगार्डिंग नहीं है, लेकिन आप अगर न्यूज एजेंसी के देखोगे तो ये बेसिकली 17 नवंबर को ये मीडिया रिपोर्ट्स कह रही है कि आ जाएगा। अब यहां पर कुछ एक चीजें आपको समझाना चाहता हूं। सीबीएसई की जो साइकिल है ना बच्चों यही होती है, नवंबर मतलब एंड नवंबर के करीब लगभग डेट शीट आती है, 15 फरवरी से लगभग आपका पेपर होता है, अप्रैल लगभग 10 अप्रैल तक आपका पेपर जाता है। तो भाई ये साइकिल देखो कंटिन्यू रहने वाली है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। इसमें मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये साइकिल इस साल चेंज हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हर साल यही होता है, नवंबर एंड आपका डेट शीट, और इसके बाद 15 फरवरी से आपका पेपर होता है। और यार इसमें भी सबसे पहला पेपर आपका हिंदी का होता है, उसके बाद इंग्लिश का होता है, उसके बाद केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स, मतलब कुछ इस तरीके से आपका साइकिल चलता है। तो अगर आप देखोगे तो जो आपका पीसीएम का पेपर है, पीसीएम का पेपर 30 या 31 मार्च के पहले खत्म हो रहा होगा, ह्यूमैनिटीज का पेपर नियर अबाउट 5 अप्रैल के करीब चला जाएगा, और कॉमर्स का पेपर नियर अबाउट 2 अप्रैल के करीब मान सकते हो। तो इस तरीके से अगर जो सीबीएसई का पेपर है ना वो लगभग 7 अप्रैल 10 अप्रैल के करीब तक जा सकता है, मतलब इतना तुम समझ सकते हो। लेकिन जो साइंस के बैकग्राउंड के बच्चों का पेपर है वो मार्च के अंदर खत्म हो जाएगा, ह्यूमैनिटीज का एक आधा सब्जेक्ट अप्रैल में चला जाता है, कॉमर्स का एक आधा सब्जेक्ट अप्रैल में चला जाता है, बाकी मोस्ट ऑफ द पेपर पूरा का पूरा मार्च एंड तक खत्म हो जाता है। ठीक है, तो यार यही अपडेट आप लोगों को बच्चों देनी थी। तो होपफुली यार आप लोगों को ये अपडेट समझ आई होगी अच्छी तरीके से। और जितने भी बच्चे सीबीएसई 2024 की तैयारी कर रहे हो बच्चों, आपको आगे जाके सीबीटी भी देना होगा, तो यार आराम से आप लोग सीबीटी की भी तैयारी कर सकते हो। अड्डा 24/7 के किसी भी बैचेस में आप एनरोल करके आराम से आप सीबीटी की तैयारी और सीबीएसई की तैयारी एक साथ में कर सकते हो। किसी भी महापैक में आप एनरोल करके अच्छी तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हो। भाई दिवाली ऑफर में आप लोगों के लिए मैक्सिमम डिस्काउंट Y457 पर मिल रहा है, तो जैसे ही आप Y457 कोड लगाओगे आपको 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा किसी भी कोर्स पे। तो Y457 आपको यही डिस्काउंट कोड आपको यूज करना है फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट 25% का, और आप ये बैच में एनरोल करके अच्छी तरीके से अपनी सीबीएसई की और सीबीटी की दोनों की पढ़ाई जबरदस्त तरीके से कर सकते हो। थैंक यू सो मच वॉचिंग द सेशन, गॉड ब्लेस यू ऑल, सभी मेरे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को।